press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Well, आज के इस एपिसोड में हम अपने प्लेनेट अर्थ की स्टडी करने वाले हैं। ये सन से तीसरे नंबर का प्लेनेट है। यस, ये वही जगह है जहाँ हम रहते हैं। मर्करी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे प्लेनेट्स हैं। अर्थ ही एकमात्र प्लेनेट है जहाँ एनिमल्स, ह्यूमंस और प्लांट्स जैसे लिविंग थिंग्स सर्वाइव कर सकते हैं। इन लिविंग थिंग्स में बैक्टीरिया, बग्स और फिश जैसी दूसरी बहुत सी स्पीशीज शामिल हैं। अर्थ पे टोटल 8.7 मिलियन स्पीशीज हैं। वाटर की प्रेजेंस इस प्लेनेट को और भी खास बनाती है। अर्थ का अपना एटमॉस्फेयर है जो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियोन जैसी गैसेस से बना है। खुद अर्थ किससे बनी है, आपको कोई आइडिया है? अर्थ एक्चुअली चार लेयर्स से बनी है, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। ये आउटर मोस्ट लेयर क्रस्ट है। यस, आपने सही समझा, हम यहीं पे रहते हैं। मेंटल मिडिल लेयर है जो सॉलिड और मेल्टेड रॉक से बनी है। इसकी थिकनेस 1800 माइल्स के आसपास है। आउटर कोर लिक्विड है जबकि इनर कोर सॉलिड है। अर्थ की रेडियस करीब 3959 माइल्स यानी 6371 किलोमीटर के आसपास है और इसका डायमीटर करीब 12742 किलोमीटर है। क्या आपको पता है कि अर्थ सन से कितनी दूर है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस करीब 93 मिलियन माइल्स यानी 150 मिलियन किलोमीटर है। इस डिस्टेंस को वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहा जाता है। लाइट को सन से अर्थ पे पहुंचने में लगभग 8 मिनट्स लगते हैं। क्या आपको पता है कि अर्थ सन का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? यस, ये 365.25 डेज में एक ऑर्बिट कंप्लीट कर लेती है। क्या आप जानते हैं कि हमारी अर्थ 4.54 बिलियन ईयर्स पुरानी है? है ना कमाल की बात।